डॉक्टर स्वपन गुप्ता, आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS और MD किया है और GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से न्यूरोसाइंस में DM ट्रेनिंग और वेनिस इटली से एडवांस एपिलेप्सी ट्रेनिंग की है। डॉक्टर स्वपन वर्तमान में GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन के पीछे के विज्ञान, साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन मॉडर्न न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस पर आपका गहरा अध्ययन है। डॉक्टर स्वपन आध्यात्मिकता के पीछे के विज्ञान और ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट पर नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर एक उत्साही वक्ता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फेलोशिप अवार्ड, ILAE बर्सरी अवार्ड, सन सर्वोलो बर्सरी अवार्ड, सरोजा बेस्ट पेपर नेशनल अवार्ड सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। देखिए, आपका सवाल जो हमें समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करें, और ये बहुत रेलेवेंट सवाल है क्योंकि आज के समय में अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों की थॉट्स अलग अलग मिलेंगी और वो अलग अलग विचार मिलेंगे। आप टीवी में देखिए, रेडियो में देखिए, कितने ही आपस में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं और कितने तरह की थॉट्स होती हैं, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है डॉक्टर साहब? जी, तो डिसीजन हमारा जो फ्रंट ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे होता है, जिसको ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स कहते हैं, इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं, वो डिसीज़न लेता है। अब वो डिसीज़न किस बेसिस पे लेता है? वो डिसीज़न लेता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिससे उसको डोपामिन या सीरोटोनिन, जिससे उसको अच्छा लगता है करना, उसके बेसिस पे वो डिसीज़न लेता है। रैशनैलिटी के बेसिस पे कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, मैं अगर इस तरफ जाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस तरफ जाता हूँ तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये डिसीज़न के हमारे पैरामीटर्स होते हैं। आज के समय में डिसीज़न मेकिंग मुश्किल क्यों हो गया है? वो इसलिए कि आज की जनरेशन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा वीक हो गया है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट होती कैसे है, कैसे बनता है, जो हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट है वो कैसे बनता है? वो बनता है जब हम एक बच्चे को, हमने देखा था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल माइंड है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, जो इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब इंटेलिजेंट ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक देता है। मतलब अगर इमोशनल ब्रेन, इमोशनल माइंड हेल्दी है तो चांसेस हैं कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स माना इंटेलिजेंट माइंड भी हेल्दी है। हेल्दी से आपका क्या मतलब है? हेल्दी मतलब उसकी फंक्शनिंग अच्छी है, मतलब बैलेंस्ड है, वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। ओके, वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, वो जजमेंट कर पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि इमोशनल माइंड जो है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन ज़्यादा हम देखते हैं। आज छोटे से बच्चे से पूछो, कहता है मुझे तो टेंशन है, मैं दुखी हूँ बहुत, मैं बोर हो रहा हूँ बहुत, मुझे रात को नींद नहीं आती है। ये प्रॉब्लम्स बच्चों में हम देखते हैं। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, उसकी डेवलपमेंट है ही किसके आधार पर? इमोशनल माइंड की डेवलपमेंट के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर बचपन से ही उसका इमोशनल माइंड अच्छे से डेवलप नहीं होता है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, तो इंटेलिजेंट ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाता है। वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सही निर्णय लेने की शक्ति, क्षमता कम हो जाती है। और यही कारण है जिसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस है, जब हम उदास होते हैं, स्ट्रेस में, टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मन उदास होता है, तो क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बोलती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखो, जब हम खुश होते हैं, हम, हमारा मन क्लियर होता है, हमारे अंदर एक क्या बोलेंगे कि एक सेटिस्फैक्शन होता है, तो उस समय में हम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी कहते हैं ये तो बहुत बाएं हाथ का खेल है, हो जाएगा,
ये एक सिंपल साइंस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है। तो इमोशनल माइंड जो हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है, अगर उसको हम पॉजिटिव कर दें तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाएगा। अब डिसीजन डेफिनेटली आप देखिए सिचुएशन के हिसाब से, माना परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होगा, व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग होगा। हमारा मकसद उनको डिसीजन देना नहीं है, ना हमें कभी देना चाहिए। आप लाइफ कोच हैं, आप भी कोई आपसे अगर पूछेगा कि डिसीज़न मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए तो आप उनको ऑप्शंस देते हैं, आप ये चूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन डिसीज़न आप उसी के ऊपर छोड़ते हो। कभी डिसीज़न देना भी नहीं चाहिए, उसका कारण है अपने आप को अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अपने आप को जानने के लिए हमारे इमोशनल माइंड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जो अपने आप को जानने वाला लॉजिकल माइंड है वो काम कर सकेगा। तो जो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी है, जो निर्णय लेने का हमारा फ्रंट ब्रेन की पावर है, उसको बढ़ाने के लिए अगर हम अपने इमोशनल माइंड को अच्छा रखें, हेल्दी रखें, पॉजिटिव रखें, तो डिसीज़न मेकिंग कहीं ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने।